नवरात्रि में किसी भी दिन तुलसी में चढ़ा दें, यह एक गुप्त चीज होगी, हर मनोकामना पूरी, बनोगे आप करोड़पति। तो कौन सी है वह एक चीज, जानने से पहले माताजी के भक्त वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। नमस्कार, आपका स्वागत है। चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन तुलसी पौधे के नीचे बांध देना या गुप्त चीज, जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता रानी, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप धनवान, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, 2024 में इस बार माँ दुर्गा चैत्र नवरात्रि में घोड़े पर सवार होकर आ रही है। यानी दोस्तों, माता रानी जब घोड़े पर सवार होकर आती है तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवी जब घोड़े पर सवार होकर आती है तो समाज और राजनीति में बड़ी उथल पुथल होती है, और मान्यताओं के अनुसार अगर चैत्र नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा घोड़े पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती है तो मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है और जीवन सुखमय हो जाता है। और दोस्तों, भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है, दिल में सुकून मिलता है, माता वैष्णो भरपूर आशीर्वाद देती है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, यानी 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा, न एक भी दिन कम न एक भी दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक चलेगी। माता वैष्णो की पूजा, मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 9 अप्रैल को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 18 अप्रैल मंगलवार के दिन रखा जाएगा। और दोस्तों, 17 अप्रैल को कन्या पूजन किया जाएगा, जो कि इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप चैत्र नवरात्रि में व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस दिन अगर आप तुलसी के पौधे के नीचे सही मुहूर्त पर वह गुप्त चीज बांध देते हैं जिसके बारे में वास्तु शास्त्र, तंत्र शास्त्र और वेद पुराणों में लिखा हुआ है और जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको माता रानी और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का बहुत बड़ा और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत नष्ट हो जाएंगे, तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता रानी और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके पास इतना धन आ जाएगा। इस उपाय को करने के बाद, जिसके बाद आने वाली आपकी सात पीढ़ी भी पैसों पर राज करेंगे। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि तिथि के बारे में वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, इस दिन माता रानी जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दिन आप यह उपाय करेंगे तो वेद पुराणों के अनुसार उस उपाय का आपको लाभ जरूर मिलेगा। और इस दिन तुलसी पूजन करना बहुत ही शुभ बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन तुलसी पूजा करने भर से एक व्यक्ति को साक्षात माता रानी, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद तुरंत के तुरंत मिल जाता है। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, अगर एक व्यक्ति को माता रानी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए तो उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि अगर माता रानी जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं, उस व्यक्ति के राहु केतु और भाग्य हमेशा उसका साथ देते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन का राहु केतु और भाग्य का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी अगर एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाता है, उस व्यक्ति के जीवन में सदैव धन की वर्षा होती रहती है। और दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन सिर्फ अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लें, जिसमें आपको तुलसी पौधे के नीचे वो गुप्त चीज बांधनी है जिसके बारे में वेद पुराण में लिखा हुआ है, तो इतना ही उपाय करने भर से मान के चलिए तुरंत ही आपको माता रानी, माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाएगा और आप ही की नहीं आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। यह ऐसा उपाय है दोस्तों, जो अगर चैत्र नवरात्रि के किसी भी तिथि के दिन किया जाए तो यह कभी भी खाली नहीं जाता है। इस उपाय का लाभ एक व्यक्ति के पूरे परिवार को मिलता है।
आप बार बार ये सोच रहे होंगे कि आखिर तुलसी पौधे के नीचे वह कौन सी गुप्त चीज बांधनी है जिससे माता रानी, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, तुलसी पौधा जो होता है वह माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप मानते हैं। इसीलिए हमारे हिंदू भाइयों बहनों के घर पर एक तुलसी का पौधा अवश्य होता है। घर में अगर तुलसी का पौधा है तो उस घर में कभी भी वास्तु दोष नहीं हो सकता है। जिस घर में भी तुलसी पौधे का अच्छे से ख्याल रखा जाता है उस घर में सदैव माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। इसीलिए दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन तुलसी पूजन का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व बताया गया है। अगर आप चैत्र नवरात्रि के दिन व्रत नहीं रख सकते हैं और सिर्फ विधि विधान से तुलसी पूजन करने के बाद तंत्र के अनुसार तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांध देते हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए साक्षात माता रानी, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद तुरंत के तुरंत आपको मिल जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आप ही की नहीं आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए जय माता रानी की, जय माता लक्ष्मी जी की। और अगर आप माता रानी जी और माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और एक काम कीजिए का कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय हो जो आप इस नवरात्रि तिथि के दिन का लाभ पा सकते हैं, वहां आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। तो सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है भाग्य के साथ पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके राहु केतु आपका साथ दें, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो बस एक छोटा सा उपाय आपको चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन करना है। यह बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके नव ग्रह, आपके तारे, आपके राहु, आपके केतु, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपका सौभाग्य प्रबल हो जाएगा। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। और सिर्फ आपको यह करना है कि चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन सुबह सोकर उठना है, अच्छी तरीके से नहा लेना है और लाल या पीले कपड़े पहनने हैं, क्योंकि पीला और लाल रंग माता रानी, माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। अब आपको एक घी का दीपक लेना है और अपनी लंबाई के बराबर एक पीला मौली धागा लेना है। ध्यान रखिएगा, मौली धागे दो रंग में आते हैं, एक पीला और लाल। आपको अपनी लंबाई के बराबर पीला मौली धागा लेना है। अब आपके घर पर जो भी तुलसी का पौधा हो वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक अपने पूर्व दिशा में आपको जलाना है। अब यह जो पीला मौली धागा आपने लिया है, इस मौली धागे को अपने हाथ में पढ़कर तुलसी पौधे के 11 परिक्रमा आपको लगाना है। 11 नंबर माता रानी, माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। जितनी देर भी आप परिक्रमा लगा रहे हैं उतनी देर आपको माता रानी जी के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र है महालक्ष्मी नमः दोस्तों, और भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम है। इस बीज मंत्र का जाप 11 परिक्रमा लगाते वक्त आपको करना है। परिक्रमा लगाने के बाद आपको इसी मौली धागे को तुलसी पौधे के गमले के नीचे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को याद करते हुए बांध देना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तुलसी पौधे के ऊपर मत बांधना, तुलसी पौधे के गमले के नीचे आपको बांधना है। सिर्फ इतना उपाय आपको चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन करना है। इतना उपाय करने भर से साक्षात तुरंत ही आपको भगवान विष्णु जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके नवग्रह की पीड़ा तुरंत खत्म हो जाएगी, आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा। माता रानी और भगवान विष्णु जी
माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह है आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु आपका इस प्रकार से साथ देना शुरू करेंगे, जिसके बाद आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे रहेंगे। यह उपाय हर साल चैत्र नवरात्रि तिथि के दिन अगर आप करेंगे तो पूरे साल आपका भाग्य प्रबल रहेगा और आपके राहु केतु आपका साथ देते रहेंगे। तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए माता रानी मां लक्ष्मी की जय, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन आए जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो, आपके घर पर इतना धन हो जाए जिसके बाद आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करें, तो दोस्तों बस आपको चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज सही मुहूर्त पर बांधनी है, जिसके तुरंत बाद आपको तुरंत ही माता लक्ष्मी जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा। जिसके बाद अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट में जय श्री राम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।